चलो अब बचपन ढूंढते हैं। तुम अपने आसपास देखो, तुम्हारे लिए कुछ है। ओह, मैं इसका क्या करूंगी? कमाल, इस पर निशाना लगाने में तो सालों बीत जाएंगे। ऐसे करो, वहां भी कुछ गिरा है। रुक जाओ, अभी मत खोलो। क्यों? उसे एक सीक्रेट रहने दो। क्या तुम इसे छुपा सकती हो? केमाल, क्या कर रहे हो तुम? जब तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तब तुम इसे खोलकर पढ़ लेना। इसमें सब कुछ लिखा है। ठीक है, चलो चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए। मैं इसे खोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। केमाल, केमाल, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें ये कहाँ से मिल गई। मैंने तुम्हारी बचपन की फोटो में इसे देखा था, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही बना ली। तुम्हें पसंद तो आई ना? ओह केमाल, थैंक यू सो मच, ये बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच। निहान, मैं तुम्हारा बीता कल तो नहीं बदल सकता, पर आने वाला कल अच्छा कर सकता हूं।
मैं तुम्हारे लिए वो कुआं बनूंगा जिससे तुम सब कुछ कह सको। तुमने जो बातें मुझसे कही है ना, उसके बारे में सोचकर मुझे फिक्र हो रही है। केमाल फिर से शुरू मत करो प्लीज। निहान देखो, कुछ बातें अधूरी हैं। हादसों के बीच क्या हुआ हमें ये अब तक नहीं पता है। पक्का कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और अगर एमिर इसके पीछे है तो वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। तो तुम्हें लगता है कि पिछले 5 सालों में हमने ये बातों के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा? ऐसा कुछ तो होगा जिस पर तुमने गौर नहीं किया, या तुम्हारे जहन में वो बात ही नहीं आई। ये सब जाने दो केमाल। मैं ये नहीं जाने दे सकता। इस रिंग से मैं तुम्हें आजाद करवाना चाहता हूं, तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालना चाहता हूं। अगर वो लड़की मरी ना होती तो ये सब जरूर हो जाता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मैं उसे ढूंढ निकालूं। ये सब जाने दो केमाल, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, इन बातों में मत पड़ो प्लीज। जाने दो। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता हूँ, एक बार पहले तो खो ही चुका हूँ।